एक्सपोर्ट मार्केट पर क्या नजरिया है? एक्सपोर्ट में ये है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस नए दौर के लिए कैसे एक्सेलरेट करना है, कैसे आगे बढ़ना है? हमें जितनी भी मॉडर्न प्रैक्टिस हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा यूनिट बिल्कुल रेडी है टेक ऑफ करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। अपनी जर्नी को देखते हैं तो ऐसे कोई टॉप 3 लर्निंग्स जो आप SMEs के साथ शेयर कर सकें? सबसे पहले तो प्रोफेशनलिज्म। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं लुधियाना में और अब समय है इस शहर की एक प्रेरणादायक कहानी से आपकी मुलाकात करवाने का। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिको पावर टूल से जितेंद्र सिंह जी। आपकी जिस तरह से हम देख रहे हैं जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं वो पावर टूल्स का है और इनकी कहानी जो है वो एक रिपेयरिंग से शुरुआत होती है और वो मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में जिस तरह से आते हैं, तो आइए इनकी कहानी को समझने का अब हम प्रयास करते हैं और उससे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस पिक करने की कोशिश करेंगे। तो जितेंद्र जी, ये बताइए, हमने ये देखा कि आप रिपेयरिंग के स्पेस में थे, 1994 में आप मैन्युफैक्चरिंग में आए, आखिर आना कैसा हुआ? थैंक यू सौरभ। पहले तो ये ऐसा हुआ कि अगर मैं पूरी स्टोरी बताऊं तो मुझे लगता है 26 साल चाहिए, क्योंकि 26 साल की जर्नी है मेरी, इतना टाइम नहीं है। उसको बिल्कुल मैं शॉर्ट करके मेन पॉइंट बताऊंगा जो सुनने के बाद कुछ फ़ायदा भी हो किसी को, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जी। तो मैं शुरू करता हूँ 1992 से, जब मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की, जिस 10वीं कंप्लीट की लुधियाना में। उसके बाद मेरे फादर साहब ने मुझे लकड़ी के काम में छोड़ दिया कि आप कारपेंट्री का काम करो और उसके बाद जाओ दुबई। तब ये ट्रेंड होता था कि दुबई बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो मैं वहाँ पर 3-4 महीने लगाए लकड़ी शॉप पर। फिर फादर ने कहा नहीं आप वापस आ जाओ, और मेरे पास कुछ आ गया, वो हुनर आ गया लकड़ी का, वो ऐड हो गया मेरे पास, 4 महीने का ऐड हो गया। उसके बाद जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, हम 3 ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर इलेक्ट्रीशियन है, पहले इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू किया। तो वो जब मोटर वाइंडिंग करते, इंडस्ट्री से मोटर आती थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती थी कि मोटर में इतना सारा कॉपर डालते हैं और लेबर इतनी सारी लेते हैं, तो जितेंद्र को पावर टूल में डालो, पावर टूल में कॉपर इतना सा लगता है, लेबर बहुत लेते हैं, उनकी ये फीलिंग थी तब की। तो उसमें उनको मौका और अपॉर्चुनिटी, हाँ उनको अपॉर्चुनिटी दिखी, यार इसमें कुछ मार्जिन है। तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र को रिपेयर शॉप में डालो। तो मुझे तो कुछ भी करना था, मैंने तो कभी मना ही नहीं किया, तो मुझे रिपेयर शॉप में डाला सीखने के लिए, जहाँ मिक्सी वगैरह और ऐसा कुछ चलता था। तकरीबन 1 साल बाद, मुझे आज भी याद है, मेरे घर की मिक्सी ख़राब हो गई और उसको मैंने रीवाइंड कर दिया। वो बहुत खुश हुआ मैं भी, कि मैं अभी वो लेवल पर आ गया कि हम उसको रीवाइंड कर सकते हैं। तब रीवाइंडिंग का ज़माना था, नए पार्ट नहीं मिलते थे, तब की बात कर रहा हूँ 94 में। तब वो जब हो गया, फिर हमने दोनों ने डिसाइड किया कि अब ऐसा करते हैं, हम एक शॉप बनाते हैं जहाँ पर फोकल पॉइंट में, वहाँ पर हम रिपेयर वगैरह क्या करेंगे, जो आएगी मोटर वाइंडिंग आएगी। तब PP नंबर होता था, तो हमें फ़ोन आता था कि आपके बाजू में एक पंखा ख़राब है, उसको ठीक करना है। तो हम वहाँ जाते थे, हमें मुझे लगता है 10 या 15 रुपये मिलते थे, हम उसको ठीक करते आते थे। पर ये पंखा बताने की बात ये है कि तब भी इतनी शिद्दत से करते थे कि ये पंखा आज के बाद ख़राब नहीं होगा। रिपेयरिंग में जिस तरह से आपने मेहनत करके एक जगह जैसे बनाई, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आज जस्ट आप ये बता सकें व्यूअर्स को, अभी फ़िलहाल कितना टर्नओवर है? अभी 30 के करीब है, 30। ये जिस तरह से आप इस स्पेस में आगे बढ़े हैं और मैन्युफैक्चरिंग में आपने जो मेक इन इंडिया पर भी हमने देखा जो काम हो रहा है उस पर आपने जिस तरह से फोकस किया है, जोर दिया है, और अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसमें फिर एक तो कॉस्ट भी है, क्वालिटी भी है, मतलब आप किस तरह से कॉम्पीट करते हैं या कैसे अपनी जगह बनाते हैं? बिल्कुल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है वुडवर्किंग राउटर मशीन, ये 100% वुडवर्किंग इंडस्ट्री के लिए, और वुडवर्किंग की जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे जो बैकग्राउंड में थे वो भी सब कारपेंटर थे, तो हमने जो मशीन डेवलप की वो 100% कारपेंटर की सूटेबिलिटी को देखते हुए डिज़ाइन की, वो बड़ी जल्दी उनको एक्सेप्ट हो गई कि ये मशीन ठीक है, रादर देन जो बाहर से आती है, तो उसमें फीचर डालने लगे, वहाँ से फिर ग्रोथ होनी धीरे 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 शुरू हो गई हमारी। तो अभी जैसे देश में तो डीलर्स के नेटवर्क हैं आपके? हाँ, हमारा 600+ नेटवर्क है डीलर यहाँ पर। एक्सपोर्ट मार्केट पर क्या नज़रिया है? एक्सपोर्ट में ये है कि मेरा यूनिट बिल्कुल रेडी है टेक ऑफ करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, और मुझे जो लैकिंग लगती है वो लगती है कि कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कि मेरा बिल्कुल यूनिट में कैपेसिटी मैं डबल कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है मेरे यूनिट की। तो
हमारी ओर से आपको आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आइए अब हम इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं, कैसे देखते हैं ये जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है इस दौर में, वो एमएसएमईज के लिए कितनी अहम है। आपने एक बहुत एप्ट क्वेश्चन पूछा, सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी, एनवायरमेंट, कार्बन फुटप्रिंट, इवन एमएसएमई के लिए अब रियलिटी है। और एग्रेसिव मार्केटिंग भी नए बाजारों में, मार्केट इज ओपन एंड ग्लोबलाइजेशन हो रही है, और ब्रांडिंग इज नॉट ओनली पुटिंग योर ब्रांड पोस्टर्स एंड ऑल, इट्स अबाउट एडिंग वैल्यू टू योर ब्रांड एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो आप कर रहे हैं। जिन आप फॉरेन बायर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे अभी किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, स्पेशली जो चाइना प्लस वन का इनिशिएटिव हुआ है, उसकी जरूरत होगी इंडस्ट्री को। सर देखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इन पंजाब एंड दैट टू स्टील इंडस्ट्री, हम लोग लैंड लॉक तो है ही है। देखा, एक्सपोर्ट ने $750 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, ग्राउंड पर कैसा मूड है, आपका क्या असेसमेंट है और क्या आप कहना चाहेंगे? थैंक यू सौरभ जी, सबसे पहले तो सबको मुबारक, 750 बहुत बड़ा था और अचीव हुआ है। थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द एक्सपोर्टर फ्रेंड। विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग, अपना बता सके आप हमें? Over the last 15 years, it's been 15 years that I've been associated with it. I have seen that now we don't need to create. Log aware hai, market aware hai, we do now. तो SME Express के इस edition में लुधियाना से अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये सफर जारी है। अगले कार्यक्रम में हम एक और major MSME center का रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार, goodbye.